हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं रिपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक अकाउंटिंग के पार्ट थर्ड में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री का तीसरे पार्ट के अंदर मैंने आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए लेट्स बिगिन द क्लास। डिस्काउंट, बात करते हैं हम डिस्काउंट एंट्री के बारे में। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं, तो डिस्काउंट होता है टू टाइप्स। कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में। क्या क्या? नंबर वन, नंबर वन जो आता है वो आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और सेकंड होता है भाई हमारे पास कैश डिस्काउंट। प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और नंबर टू कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते, ओनली अमाउंट में शो करते हैं। ओनली अमाउंट में शो करते हैं और इसको एंट्री में शो नहीं करते। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो किया जाता है। एंट्री में शो किया जाता है, ठीक है ना। आइए कैसे किया जाता है एक एग्जांपल के थ्रू आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल लेके चलेंगे आपके आप आपके सामने। क्या है? आइएगा, एग्जांपल है इफ अ ट्रेडर, इफ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। ऑफ 1 लाख रुपीज, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को टीडी बोल देते हैं। फॉर कैश, ओके, तो एंट्री विल बी क्या? देखो सीधी सी बात है, गुड सेल हुआ कब? कैश में। तो सीधी सीधी एंट्री है, आपने माल बेचा है तो बेचने पे पैसा आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। डिस्काउंट को शो नहीं करते, ये तो बनी एंट्री। लेकिन 1 लाख रुपीज से नहीं बनेगी। 1 लाख रुपीज का क्या करना है आपको? 1 लाख का 20% कर देना है। कितना आ जाएगा? 20,000। तो 1 लाख माइनस 20,000 कितना आ जाएगा? 80,000। तो आपकी एंट्री जो बनी 80,000 से बनी, यानी कि 1 लाख रुपए का जो माल था लिस्ट प्राइस पे, वो आपको 80,000 रुपए का सेल हुआ, है ना। 1 लाख रुपए का माल जा माल था वो लिस्ट प्राइस पे था, आपने जो सेल किया वो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे किया, तो 80,000 रुपये में, यानी कि डिस्काउंट को माइनस करके, ठीक है। ये तो वो आपका, अभी ऐसे ही परचेज का भी ऐसा ही होता है, परचेज डेबिट टू कैश, ओनली अमाउंट में शो कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। आइएगा कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में अक्सर उलझते हैं, डिस्काउंट ट्रीटमेंट आपको आसानी से आना चाहिए, ठीक है। कैश डिस्काउंट के बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं कैश डिस्काउंट का। जैसे कि उसने कहा परचेज गुड्स
परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स परचेज किया यानी कि रवि से माल खरीदा आपने, ठीक है, 60,000 एट कैश डिस्काउंट या ओनली डिस्काउंट भी लिखा सकता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट भी लिखा सकता है और ओनली डिस्काउंट भी लिखा सकता है, 10% इस तरीके से आ गया, ठीक है, डिस्काउंट एंट्री में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस तरीके से करोगे, ठीक है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है और डिस्काउंट भी लिखा हो सकता है, तो सीधी सीधी एंट्री आप इसमें से, अब आप क्या करेंगे, गुड्स परचेज किया आपने रवि से, अब आप रवि का नाम नहीं आएगा टू में, नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट है यानी कि पैसा तुरंत पे हुआ, तो सीधी सी बात है यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पैसा चला गया आपके पास से टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे नरेशन बना देंगे आप, 60,000 का 10% हुआ 6,000, तो 6,000 आएगा आपका डिस्काउंट में और 60 - 6 कितना बचा 54 आपने कैश पेड किया, ये आ गया आपका कैश में और टोटल हो गए 60,000, वो आ गया आपका परचेज में। इस तरीके से आप कैश डिस्काउंट की एंट्री बनाते हैं। अब ये परचेज में, यही सेल में, सेल में कैसे हो जाएगी, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू सेल, सेल में क्या हो जाएगी, पैसा आया आपके पास कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज टू सेल अकाउंट, यानी के ये ध्यान रखना जो ये वाला डिस्काउंट होता है जो हमें मिला है परचेज करते हुए हमें मिला है डिस्काउंट, तो ये तो हो गया डिस्काउंट रिसीव, क्या बन गया ये डिस्काउंट रिसीव, याद रखना ये डिस्काउंट रिसीव है, और जो हमने डिस्काउंट दिया है क्योंकि सेल करते हुए हम डिस्काउंट देंगे तो ये डिस्काउंट अलाउड होता है, ये चीज याद रखने वाली है बेटा, कई बार डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव आ जाता है, तो ध्यान रखना डिस्काउंट रिसीव हम क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट करते हैं। अब एक कंबाइंड एंट्री ले लेते हैं, कंबाइंड एंट्री यानी कि डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड कई बार एंट्री आ जाती है, तो एक कंबाइंड एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक है मेरे पास ये भी, कई बार कंबाइंड एंट्री आ जाती है इस तरीके से, इफ अ ट्रेडर इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, इस तरीके से दिया हो एंड 2% कैश डिस्काउंट, सीडी लिख दिया मैंने। अब यहां पे एंट्री किस प्रकार बनती है, देखो एंट्री तो बनेगी बनेगी, मैं आपको खोल करके पूरा वर्किंग नोट समझा देता हूं किस तरीके से आपको अमाउंट निकालनी है। तो यहां पे एक वर्क, क्योंकि ये तो आपने आराम जब सीख जाओगे ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं तो वर्किंग नोट प्रिपेयर करके ही सिखाना पड़ेगा आपको। कैसे, यहां पे देखो आप, आपका प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस कितना है प्रोडक्ट का जो आपने सेल किया 20,000। सबसे पहले इसमें से आप टीडी माइनस करेंगे, माइनस करा आपने टीडी, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% है,
तो सीधा सीधा है भाई, 20,000 का 10% कितना हुआ, यहाँ पे निकाल दो आप, 2,000 रुपये आ गया। ये आप यहाँ लिखें और आप 20,000 में से 2,000 माइनस करें और आप लिखें यहाँ पे 18,000। अब क्या करें, माइनस सीडी कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2%। किसका निकालना है, इसका निकालना है, 2% किसका निकालना है, इसका निकालना है आपको। तो 18,000 का 2% यानी 2/100 कितना है, 360 रुपीज़। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17,640, राइट। ये आपकी कैलकुलेशन हुई। लेकिन आप एंट्री पास कैसे करेंगे, आइएगा एंट्री पास करने का तरीका, सिंपल एंट्री पास होनी है, कोई ज़्यादा नहीं करना, कुछ हाथी घोड़े नहीं जोड़ने इसके अंदर। सीधा सीधा है, आपने गुड्स को सेल किया, आपने गुड्स को सेल किया तो आपके पास कैश आया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट शो करते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट अलाउड हुआ है बिकॉज ये, और टू सेल अकाउंट। अमाउंट कैसे पासिस होंगी, आइएगा देखो कैश के अमाउंट कितनी है, कितना आपको रिसीव हुआ, 17,640, ये तो लिखेंगे आप सीधा कैश में। आपने कैश डिस्काउंट कितना दिया, ये दिया 360 रुपये, ये आप यहाँ लिख देंगे। टोटल कितना हो गया, 18,000, ये आप यहाँ लिख देंगे। और आपको पता है भाई ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते एंट्री में। इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, ये आपका प्रॉपर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्काउंट की कैसी भी एंट्री हो उसमें आप उलझोगे नहीं, 100% उसको सॉल्व आउट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि छोटी वीडियो समझने में आसानी रहती है। कल हम आपको एक अच्छा सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट सब होगा, मतलब मिक्सअप, जितना मैंने पढ़ाया पिछला और जितना मैंने आज पढ़ाया, एक मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना, बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।